वेलकम टू द शो ऑन दीप्ति के झरोके से। आप सभी को दीप्ति का नमस्कार। आगरा जहां ताजमहल के लिए मशहूर है, वहीं पेठा और जूतों के लिए भी उतना ही मशहूर है। तो घर घर जहां जूते और चप्पल बनते हैं और कारखाने इतने बड़े बड़े कि विदेशों तक जूते जाते हैं। पर हमारे साथ आज मैं एक पालीवाल पार्क के पास एक जगह आई हूँ, जहाँ पर मैंने देखा साइड में जैसे आपको दिख रही है बहुत सारी चप्पलें, उस तरह से मुझे देख करके बड़ा अच्छा लगा। एंड द चप्पल्स वर रियली वेरी अट्रैक्टिव। तो मुझे लगा कि इनसे पूछूं कि ना सर्दी की इन्हें परवाह है, ना चिलचिलाती धूप की, जहां हम दिन में 10 बार सोचते हैं कहीं बाहर निकलने से पहले, पर ये अपने पालन पोषण के लिए, अपने घर चलाने के लिए यहां बैठे हैं। जो नीला आसमान है ये सबका घर है। तो आज मैं इनसे मिलती हूँ और जानती हूँ कि ये किस तरह से जूते बनाते हैं या कहाँ से लाते हैं। So we'll have a short interview with them. नमस्कार भैया, आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम। थोड़ा आगे आइए ताकि आप यहाँ दिखाई देंगे। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है। मोहम्मद इब्राहिम, ठीक है। और ये आपके साथ? ये हमारे दोस्त हैं। अच्छा, आप थोड़ा अगर आगे आएंगे तो आपको सब लोग देख पाएंगे। जी जी। तो ये इनके मित्र हैं अनवर। तो ये इनसे जरा पता करते हैं कि यहाँ पर इनको बैठने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी। हमें तो ये है कि हम लोग खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं चप्पलों को। थोड़ा आगे आ जाएंगे। चप्पलों को मैन्युफैक्चरिंग करके अपने यहीं बेचते हैं और कुछ लोग हम जयपुर से लाते हैं। अच्छा। हाँ, तो यहाँ अपने बेच के अपने। तो आपको आपको ये चीज़ कैसे लगी कि मैं इस फुटपाथ पर अगर चप्पलें लगाऊंगा बेचने के लिए तो इससे आपके लोग जानेंगे? कैसे आपके दिमाग में इस जगह पर लगाने की कैसे आई? ये तो इसलिए ऐसा लगा, रोड पर थोड़ा अच्छा ट्रैफिक निकलता है, यूनिवर्सिटी है इधर, संजय पैलेस है, एमजी रोड है, तो ये ट्रैफिक अच्छा रहता है, उसको देख के लोग खरीदते हैं। ये बाहर के आइटम है, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अच्छा जी। तो आप ये बताइए कि यहाँ इन इतने सारे चप्पल जूतों के बीच में कौन सी चप्पल आपके हाथ की बनाई हुई है? देखें, हाथ की चप्पल बनाई हुई है ये वाली है, ये हम लोग खुद बनाते हैं। अच्छा, ओके। तो ये चमड़ा वगैरह कहाँ से आप लाते हैं? ये हम लोग अपने आगरा में हाड़ लगती है, सोमवार को और शुक्रवार को वहाँ से चमड़ा खरीद कर लाते हैं। अच्छा, तो आप कई पुश्तों से कर रहे हैं ये चप्पल जूते का काम? हाँ, इस काम को हमें करीब 10 साल करीब हो गए। 10 साल करीब हो गए। तो आपको ये चप्पल का व्यवसाय करने की किसने प्रेरणा दी? ये हमने अपने परिवार से सीखा हमने। अच्छा, आपके पिताजी भी यही करते थे किसी टाइम में? अच्छा। अब जो नए आइटम आ गए, नई जनरेशन है, नई चीज चाहिए, हर ड्रेस से मैच हो जाती है आइटम। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत ही अट्रैक्टिव है और ट्रेडिशनल भी है और डिफरेंट भी लगती है पहनने के बाद। बिल्कुल। तो गर्मी में, इतनी गर्मी में आप नीचे यहाँ पर बैठते हैं खुले आसमान के नीचे, तो क्या व्यवस्था रखते हैं अपने लिए? व्यवस्था तो कुछ नहीं है, आप जो कि अपने साइड से बैठे रहते हैं हम लोग, यहाँ कोई अनुमति नहीं है कि तिरपाल डाल ले। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, खुले में बैठे हैं। अच्छा, साइड से कोई दिक्कत नहीं है? साइड से कोई दिक्कत नहीं है, परिवार के लिए बैठना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि ना धूप की चिंता है, ना बारिश की, ना सर्दी की। बहुत सही। आप लोगों को देख करके प्रेरणा मिलती है, उन सब लोगों को, उन सब लोगों के लिए प्रेरणा है कि मौसम के हिसाब से अगर हम सोचे कि नहीं घर से बाहर नहीं निकल सकते तो ये तो सोच बहुत गलत है, है ना? बिल्कुल। अच्छा, और आप बताइए, तो आपका इनके काम में क्या सहयोग है? सहयोग है, मित्र मेरे दोस्त। अच्छा, अच्छा। इनके साथ में बहुत टाइम से मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, अच्छे हैं ये भी, उन दोनों के की मिलता रहता है तो आप दोनों साथ में रहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप मुझे बताएंगे, अच्छा तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पर बिक्री आपकी किस समय ज्यादा होती है? शाम के टाइम 3 से 5 बजे तक ज़्यादा हो जाती है, जैसे भी ग्राहक आ जाए। अच्छा, तो सुबह के नहीं, जैसे ट्रेंड बन जाता है ना कि सुबह के टाइम ज़्यादा आता है ना, शाम के टाइम अच्छा हो जाता है। और आजकल तो धूप है, अभी गर्मी है, कम निकलते लोग। हाँ हाँ, शाम के टाइम ज़्यादा। अच्छा, सर्दी में हो जाता है, सुबह में हो जाता है। जी जी। तो क्या यहाँ पर पुलिस आपसे कुछ ऐसा मांग? नहीं नहीं नहीं, और सहयोग करती है पुलिस। देखिए हमारी आगरा की पुलिस कितनी अच्छी है कि जो लोग अपना पेट पालने के लिए दुकान लगा रहे हैं उनसे कोई वसूली नहीं हो रही है। सैल्यूट टू द आगरा पुलिस। अच्छा, कॉस्ट क्या रखते हैं आप, किस रेंज की है? 200-220
यही देते हैं इसको। अच्छा बाकी नहीं होती है क्या यहाँ? हाँ कोई कर देते हैं, जैसे दो जोड़ी लेते हैं तो 350 कर देते हैं। वो तो आप खुद ही कर देते हैं? हाँ वो खुद ही कर देते हैं। नहीं नहीं आप तो खुद ही कर देते हैं, जैसे आप भी देखते हैं। अच्छा कोई नहीं, और कुछ बताना चाहेंगे? ये सारी आप लोग की आगरा की ही मैन्युफैक्चरिंग है या कहीं बाहर से भी लाते हैं? कुछ जयपुर की मैन्युफैक्चरिंग है और कुछ आगरा की। ऐसा वैरायटी बताने पड़ते हैं ना, जैसे मान होती है हमको ये चीज़ चाहिए, थोड़ा सा अगर जोर से कहेंगे तो ऑडियंस को सुनने में आसानी होगी। ऐसी मैन्युफैक्चरिंग रखते हैं हम। अच्छा, और आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे घर से हैं, तीन बच्चे हैं और मेरी माँ है, और बाकी सब जॉइंट फैमिली है, सब अपने अपने रह रहे हैं, सब सही है। तो आपके बच्चों को भी आप अभी पढ़ रहे हैं? हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, तीनों बच्चे पढ़ रहे हैं अभी। इसमें से किसी का रुझान है? नहीं नहीं नहीं, इसमें नहीं लाना है बच्चों को। आपको लाना नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं लाना। कोई ऐसा विशेष कारण? इसमें लाइफ नहीं है इसके अंदर, हाँ कोई वो नहीं है मतलब। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को जहाँ पर इतना बढ़ावा मिल रहा है, तो अगर इस तरह से हर शिल्पी अगर यही सोच ले, ये जो जो हैंड आर्टिस्ट हैं अगर वो ये सोच ले कि हम अपने परिवार को नहीं लाएंगे इस फील्ड में, तो ये सब खत्म हो जाएगा। हाँ ये तो अब आगे खत्म हो जाएगा, आज हम लगा रहे हैं तो आगे से हमने बच्चों को थोड़ी लाएंगे उस चीज़ को, फिर तो आगे अच्छी सोचेंगे। हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा तरक्की करे। नहीं धूप में रह रहे हैं, पर आप ये सोच सकते हैं कि उनकी फैक्ट्री खुल जाए? ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ईश्वर की कृपा होगी तो सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मेरे को मेरा भी चप्पल दिखाइए ताकि मेरे चप्पल और। और देखिए मैं यहाँ पर देख रही हूँ, एक तो मैंने जोड़ी पहनी हुई है इनकी, एक और मिलू दोनों का। हाँ चलिए अच्छी है ये। तो इस तरह की शायद गर्मी के मौसम में पहनने में कुछ परेशानी लगे? नहीं ये तो क्या है थोड़ा डिफरेंट रहता है ना, और मेडिकेट भी है आपके पैर में, सेलिंग वगैरह पेन वगैरह नहीं होगा इससे। ये आइटम ऐसा है, आप देखिए अच्छा फील करोगे पहनने के बाद, आपको वो डिफरेंट लगेगा। तुम्हें क्या चीज़ पहन रखा है? हाँ है तो बहुत अच्छी, एंड आई रियली टेल यू इट्स सो कम्फर्टेबल। तो ये आपको मैं जगह पहले बता दूं कि जब आप पालीलाल पार्क से आते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से और मेन वजीरपुरे के लिए बाहर निकलने के लिए, तो बिल्कुल मोड़ पर ही लगा हुआ है इनका ये इतना सुंदर चमचमाती हुई सुंदर चप्पलें। तो आगरा वासियों मेरी आप लोगों से यही अपील है कि आप लोग आएँ और ज़रूर इनके यहाँ की चप्पलों को खरीद करके इस गर्मियों में ठंडक लें। चुभेंगी तो नहीं? नहीं अच्छा अच्छा, आप खुद अच्छा महसूस कर रहे हैं? ये जगह पे थोड़ा चुभ रही है, थोड़ा सा होगा ना थोड़ा सही हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो जैसा आपने देखा कि इब्राहिम का ये कहना है कि वो अपने बच्चों को इस फील्ड में नहीं लाना चाहते। ऐसे अच्छा लगता है अगर हमारे बच्चे हमसे और आगे प्रोग्रेस करें, लेकिन अगर इनको किसी बात की कोई सपोर्ट मिले या ऐसा कोई कारण है जिसलिए ये सोचते हैं, तो इनसे मैं एक बार ये बात जरूर पूछना चाहूंगी। इब्राहिम जी अगर आप ये बताइए, अगर आपको सहयोग मिले सरकार से या प्रशासन से, तो क्या आप इसको और बढ़ाना चाहेंगे? हाँ अगर हम सरकार सहयोग करें प्रशासन सहयोग करें तो ये जब आगे काम को बढ़ाएंगे फिर अपने। और तीन बच्चों में से हो सकता है कि एक कोई बच्चा इनके नाम को और रोशन करे, जहाँ ये आज यहाँ छोटी जगह पर है, तो दे कैन हैव अ स्मॉल फैक्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हम लोग बढ़ावा देते ही हैं, तो मेरी पूरी कोशिश है और भगवान से ये प्रार्थना है कि इनकी जो ये दुकान है, इनका जो नाम है, ये दिन दूनी रात चौगनी सक्सेस पाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपको इब्राहिम की छोटी सी दुकान की ये बहुत खूबसूरत चप्पलें जरूर अट्रैक्ट की होंगी। जल्दी ही पालीवाल पार्क की तरफ चक्कर लगाइएगा, और मात्र 200 रुपए की चप्पल है जो 2000 रुपए का कंफर्ट दे रही थी, दे आर रियली वर्थ बाइंग। आज ट्रैफिक की वजह से बहुत डिस्टर्बेंस रहा है, बट आप समझ सकते हैं कि रोड किनारे जब कोई अपना पूरा दिन वहाँ बिताता है तो वो किस तरह से वहाँ रहते होंगे, उनका मानसिक संतुलन कितना बिगड़ता होगा। सो प्लीज डू बेयर विद दिस नॉइज टुडे। मिलेंगे किसी नई चीज़ के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।
एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियोस. मिलेंगे जल्दी, टिल देन बाय बाय.